डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023, ये वो कानून है जिससे आपका पर्सनल डाटा या कहें डिजिटल डाटा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। कोई भी कंपनी या ऐप आपका डाटा लीक करती है तो उस पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर इसके सीधे फायदे की बात करें तो अगर आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करते हैं तो कंपनी को भी आपका डाटा पूरी तरह से अपने हिस्ट्री से डिलीट करना पड़ेगा। अगर किसी ऐप को आपके बच्चे का डाटा चाहिए तो बिना उसके पेरेंट्स की अनुमति के वो डाटा नहीं मिल सकेगा। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के लोकसभा में पास होने के बाद विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इससे सूचना अधिकार अधिनियम कमजोर हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या है डाटा प्रोटेक्शन बिल और इसके फायदे क्या हैं और विपक्ष की बात पर कितना दम है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है, मैं शुभम। बिल के प्रावधान की बात कर लेते हैं। इस बिल के प्रावधानों की बात करें तो अगर आप किसी कंपनी द्वारा यूजर्स का डाटा लीक किया जाता है और उस कंपनी द्वारा ये नियम तोड़ा जाता है तो उस पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। ये कानून आ जाने के बाद आम लोगों को अपने डाटा कलेक्शन, स्टोरेज और उसकी प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का पूरा अधिकार मिल जाएगा। आप कंपनी से मांग सकेंगे कि आपका डाटा डिलीट हुआ या नहीं हुआ। यही नहीं, विवाद की स्थिति के लिए भी इसमें प्रावधान बनाए गए हैं। इसके प्रावधान के मुताबिक अगर कोई विवाद होता है तो इस स्थिति में डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड फैसला करेगा। नागरिकों को सिविल कोर्ट में जाकर मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार मिलेगा। विधेयक में यह भी कहा गया है कि कानूनी और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक नहीं होने के पर उपयोगकर्ता के डाटा को अपने पास सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। नया पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल बायोमेट्रिक डाटा के लिए भी एक कानून लेके आया है। इसके मुताबिक मालिक को पूर्ण अधिकार दिया जाता है कि वो इस पर विचार कर सके। यहाँ तक कि अगर किसी कंपनी को अटेंडेंस के लिए किसी कर्मचारी के बायोमेट्रिक डाटा की जरूरत पड़ती है तो उसे पहले पूछना पड़ेगा और कंपनी को छोड़कर जाने की स्थिति में उस डाटा को कंपनी को डिलीट करना पड़ेगा। नए डाटा प्रोटेक्शन बिल से सोशल मीडिया कंपनियों पर भी लगाम लगेगी और इसमें मदद भी मिलेगी, उनकी मनमानी भी कम की जा सकेगी। नए डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के अनुसार यूजर्स के डिजिटल डाटा का दुरुपयोग करने वाली या फिर उनकी सुरक्षा न करने पाने कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बिल के अन्य फायदों की बात करें तो नए कानून के तहत बच्चों के डाटा तक पहुंचने के लिए माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर सरकारी एजेंसियों को डाटा इस्तेमाल करने की पूरी अनुमति मिलेगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करने के बाद कंपनी के लिए डाटा डिलीट करना अनिवार्य कर दिया गया है। कंपनियां खुद के व्यावसायिक उद्देश्य से इतर डाटा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। यूजर को अपनी निजी डाटा में सुधार या फिर उसे मिटाने का पूरा अधिकार मिलेगा। बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले या फिर लक्षित विज्ञापनों के लिए डाटा एकत्र करना गैर कानूनी होगा और यही इस कानून की सबसे बड़ी मुख्य पॉइंट है या कहें मुख्य बिंदु है। अब सवाल उठता है, आखिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? एक ओर जहां सरकार विधेयक के फायदे गिना रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है उसकी धारा 8A(j) में संशोधन का प्रस्ताव हो जाता है, इससे सूचना का अधिकार कमजोर हो जाएगा। वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8A(j) व्यक्तिगत जानकारी साझा करने पर रोक लगाती है जिसका सार्वजनिक गतिविधि या हित में कोई संबंध नहीं है। अगर ये कानून आता है तो सरकारी संस्थाओं को ये डाटा आराम से उपलब्ध हो जाएगा। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस बिल को कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।